साथ अक्षय ने इस फिल्म में किया रोमांस, इस वजह से छोड़ दी इंडस्ट्री। 90 दशक की एक्ट्रेस फरहीने कुछ फिल्मी की पर अपनी छाप छोड़ गई, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो दो फिल्मों को एकदम से अलविदा कहकर चली गई और फिर वापस कभी बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। फरहीन ने 1992 में फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड की शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ रोनित रॉय ने जबरदस्त एक्टिंग कर फिल्म सुपरहिट हुई। इसके बाद उन्होंने सैनिक में अक्षय कुमार की बहन का किरदार निभाया। लेकिन कहते हैं ना, यह इंडस्ट्री है, यहाँ कब किससे कैसा रिश्ता बन जाए पता ही नहीं चलता। वही सैनिक के बाद अक्षय की आई 1994 में नजर के सामने में दोनों ने जमकर हॉट सीन और रोमांस किए, लेकिन उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, जिसकी वजह बनी उनकी शादी। 1997 में फरहीन ने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों अब दिल्ली में ही रहते हैं। वही खबरों के अनुसार फिल्म के डायरेक्टर दीपक बलराज सिंह ने जान तेरे नाम के सीक्वल में फरहीन को रोल दिया था, पर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो माँ का किरदार नहीं करना चाहती है। पर इस समय फरहीन अपने पति के साथ ही पिछले 18 साल से दिल्ली में एक बिजनेस चला रही, जो कि हर्बल स्क्रीन केयर प्रोडक्शन का बिजनेस है। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ 6 साल तक लिव इन रिलेशन में रह चुके हैं, जिस वजह से मनोज प्रभाकर की पहली पत्नी से अलग होने की वजह बनी। फिर फरहीन और मनोज ने बिना किसी से बताए एक दूसरे से चुपचाप शादी कर ली, जिससे उनके फैन को काफी बड़ा झटका लगा।